हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा पॉइंट है, वो है नॉइस पोल्यूशन। एनवायरमेंटल इशू में हम आज पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये पोल्यूशन क्या इफेक्ट करते हैं? साउंड पोल्यूशन बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी पे। साउंड पोल्यूशन इफेक्ट देता है साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। इट प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन बॉडी एज साइकोलॉजिकल ऑल्सो फिजियोलॉजिकल। ये दोनों इफेक्ट देता है साउंड पोल्यूशन हमारे बॉडी पे। कैसे साउंड का क्या इफेक्ट हो सकता है? सबको लगता होगा, लेकिन होता है बच्चों। देखिए, आप सबको पता है डीजे हर प्रोग्राम में बजाया जाता था और कॉमन चीज हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डीजे पे बैन किया। क्यों? क्योंकि डीजे का जो साउंड फ्रिक्वेंसी होती थी, उस साउंड फ्रिक्वेंसी की वजह से कई लोगों को इतना डिस्टर्बेंस होने लगा कि हार्ट अटैक तक आने लगा। आप देखो, जब डीजे का साउंड बजता है और हम जब उसके पास खड़े रहते हैं तो हमारे चेस्ट में एक तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उस साउंड की वजह से। इसका और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा ओपेरा सिंगिंग सिंगर्स होते हैं, जो ओपेरा में सिंग करते, गाना गाते हैं, वो ओपेरा सिंगर्स अपने इस तरह से सिंगिंग करते कि ग्लास को भी ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि साउंड से किसी ग्लास को ब्रेक किया जा सकता है। इस ऐसी फ्रिक्वेंसी निर्माण करेंगे, ऐसी फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे साउंड की, जिससे कोई ग्लास भी टूट सकता है। तो इसका मतलब अगर वो ग्लास भी इतना इफेक्ट पड़ रहा है तो ह्यूमन बॉडी पे भी करेगा और करता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने डीजे बैन किया है, क्योंकि डीजे के साउंड की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो ये साउंड पोल्यूशन में क्या होता है? जनरली हम ह्यूमन बींग जो होते हैं, ह्यूमन्स जो होते हैं, ह्यूमन्स की कैपेसिटी होती है कम से कम 180 डीबी साउंड एक्सेप्ट करने की। मतलब हम जो ह्यूमन है, हम 180 डीबी तक साउंड की कैपेसिटी सहन कर सकते हैं, लेकिन ये 100 डीबी साउंड हमारे लिए घातक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। जनरल साउंड जो होता है, कॉमन जनरल साउंड जो होता है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 डीबी तक है और ये हम आराम से सुन सकते हैं या ले सकते हैं। अगर एज पर नॉइस पोल्यूशन रूल जो 2000 में लागू हुआ था, उसके हिसाब से 75 डीबी तक का साउंड हमारे लिए सूटेबल है, उसके ऊपर का साउंड हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन कोई कोई इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कम से कम 150 डीबी तक का भी साउंड प्रोड्यूस करती है, या फिर 100 तक डीबी का भी साउंड प्रोड्यूस करती है, और इसके ऊपर का जितना भी साउंड है, मतलब 75 डीबी के ऊपर जो भी साउंड होता है, विच इज़ हार्मफुल टू अस, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ह्यूमन में सुनने की क्षमता 180 डीबी तक की है, हम उतना साउंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 75 डीबी के ऊपर का साउंड अगर सुन रहे हैं तो वो हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है, और 150 के ऊपर का साउंड अगर हमारे लिए आ गया तो वो हमारे ड्रम को ब्रेक कर सकता है, डिफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम कम्प्लीटली हम बहरे हो सकते हैं, कम्प्लीटली लॉस ऑफ हियरिंग। ये हो सकता है कब? 150 डीबी के ऊपर का साउंड अगर हमारे सुनने, जैसे जेट एरोप्लेन होते हैं, जेट एरोप्लेन रॉकेट, या फिर जो सैटेलाइट लॉन्चिंग के रॉकेट होते हैं, इनका साउंड कम से कम 180-200 डीबी तक की ज़्यादा होता है, और ऐसा साउंड के करीब अगर हम रहे सुने तो हम कम्प्लीटली बहरे हो सकते हैं, हमारा जो ड्रम होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, तो ये साउंड हमारे लिए घातक हो सकता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि 50 डीबी तक साउंड हम आराम से सह सकते हैं, यहाँ तक कि 75 डीबी तक का साउंड हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, और ये जनरली जो भी साउंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी वो साउंड इस तक आता है। डीजे का भी साउंड इसके ऊपर जा रहा था,
इसलिए तो डीजे बंद कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन रूल तैयार होता 2000 का, उसके हिसाब से 75 डीबी के ऊपर का साउंड का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर का साउंड हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और उसके ऊपर ऊपर अगर हम जाते हैं तो 150 डीबी के ऊपर का साउंड हमारा तक का साउंड हमारे लिए इतना डेंजर हो सकता है कि हम हमेशा के लिए बहरे हो सकते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन इसलिए ज़रूर हो गया क्योंकि नॉइज़ की वजह से कई डिफेक्ट, कई हार्मफुल डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली। तो मैं अभी फिजियोलॉजिकली जो बताया आपको वो ये है कि ड्रम डिफेक्ट होना, मतलब कम्प्लीटली बहरे होना, ये सब चीज़ें फिजियोलॉजिकली हो सकते हैं। दूसरा, जो हार्ट पेशेंट है उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वेव। या फिर जो भी स्किन डिसऑर्डर से परेशान होते हैं ऐसे पेशेंट को भी ये इससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। और साइकोलॉजिकली अगर देखेंगे तो साइकोलॉजिकली ये इफेक्ट कैसा करता है कि नींद आना, डिस्टर्बेंस रहना, या फिर हर बार ब्रेन में कुछ तो भी ऐसा चलते रहना, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर अनकंफर्टेबल फील करना, या फिर चिड़चिड़ होना, ये सब इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द नॉइज़ पोल्यूशन। तो साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी नॉइज़ पोल्यूशन हमें इफेक्ट कर सकता है। फिजियोलॉजिकली बॉडी के ऑर्गन्स पे, बॉडी के पार्ट पे डायरेक्टली अटैक इफेक्ट कर सकता है, और साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन पे, हमारे साइकिक थिंकिंग पे असर कर सकता है, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाए थे नॉइज़ पोल्यूशन 2000 में कि 75 डीबी के ऊपर का साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर रोकथाम किया जाए। इसलिए डीजे के ऊपर बैन आ गई, क्योंकि डीजे का साउंड 75 डीबी के ऊपर जा रहा था। हमारे कैपेसिटी 75 डीबी तक सहने की, उसके बाद का साउंड हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। जेट एरोप्लेन और रॉकेट के साउंड सबसे ज़्यादा होते हैं। सगा यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हो गए हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब साउंड पोल्यूशन, किसी तरह के अलग अलग तरह के साउंड जिसकी वजह से वो हमारे कानों को इरीटेट कर सके, ऐसे साउंड्स जो हो को बोलेंगे नॉइज़ पोल्यूशन। समझ में आ गया? मतलब देखिए, हम बोलते ना घर में, अरे ज़्यादा आवाज़ मत करो, चिड़चिड़ हो रहा है, मम्मी बोलती है हमेशा ऐसा, बोलती है ना। क्यों बोलती है? क्योंकि हमारे जो चिल्लाने से या आवाज़ करने से मम्मी को चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि उनको उसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मम्मी अपने कामों में बिजी रहती है, किसी तरह के कोई काम करना चाहती है और कर रही है, तो उसके लिए फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व रहती है। और ऐसे वक्त बच्चे घर में शोर कर रहे, कुछ चीज़ें फेंक रहे, चिल्ला रहे, बदमाशी कर रहे, तो उनके उस नॉइज़ पोल्यूशन से उनको डिस्टर्बेंस होता है, मेंटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस होता है। ये तो जनरल साउंड है, वो 75 डीबी के अंदर ही होगा, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्बेंस करता है। तो आप सोचिए डीजे का साउंड किस तरह से डिफेक्ट करता होगा। फिर भी लोग क्या करते हैं, साउंड पोल्यूशन करना नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल तौर पर देखिए, कहीं थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए जाम हो गया तो लोग हॉर्न बजाना चालू कर देते कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से आजू बाजू वालों को इरीटेशन होता है। क्यों? साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। भैया जब ट्रैफिक खुलेगा तो अपने आप ही रास्ता खुलेगा, लोगों को तो शौक नहीं है कि रास्ते पे खड़े होके ट्रैफिक जाम करें। कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह ट्रैफिक जाम हो गया, वो वजह हट गई, ट्रैफिक खुल जाएगा। तो बिना वजह हॉर्न बजाने से क्या ट्रैफिक खुलने वाला है क्या? लेकिन लोग नहीं सुनते, हॉर्न बजाते रहते, लोगों को इरिटेट करते रहते, तो इस तरह का ये नॉइज़ पोल्यूशन होता है जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप यंग जनरेशन हो, इन बातों की तरफ ध्यान दो कि नॉइज़ पोल्यूशन से साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से आगे चल के उस ह्यूमन बींग में, उस पर्सन में उस तरह के इफेक्ट दिखना चालू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। हम अपने आप को शांत नहीं रह पाते, हम अपनों को किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह का नॉइज़ पोल्यूशन हमें डिस्टर्ब करता है। समझ में आ गया? तो नॉइज़ पोल्यूशन इसलिए रोकना ज़रूरी था। तो वो हो गया 75 ऊपर के जितने भी साउंड इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर रहे नॉइज़, उनको रोकना, उनको बंद करना जरूरी था, इसलिए डीजे पे बैन आ गए। समझ में आ गया? अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे देखिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ऐसे एरिया में नॉइज़ करना, आवाज़ करना या किसी तरह का लाउड स्पीकर बजाना अलाउ नहीं होता, गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन कर दिया। हॉस्पिटल में क्यों? क्योंकि ऐसे पेशेंट होते हैं जो साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसऑर्डर डिस्ट्रिक्ट से कंटेनिंग पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं, जिनकी वजह से उनका डिसऑर्डर बढ़ सकता है।
स्कूल में कैसा, स्कूल में पढ़ा रहे बच्चे, मैडम टीचर बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चे वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे वक्त बाहर का कोई साउंड अगर आ रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, साथ में वो इरिटेट भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे चिड़चिड़ करने लग जाएंगे। तो इस तरह का कोई भी साउंड स्कूल के पास हॉस्पिटल के बजाना बैन है और गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। तो इस तरह से हमें भी खबरदारी करनी है कि हम किस एरिया में किस जगह पर, ताकि हम इस तरह का कोई नॉइस पोल्यूशन ना करें। सके तो हम लोग क्या करें कि नॉइस को करना ही छोड़ दे, सिंपल तरीके से बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एग्जांपल देखिए, घर में अगर सपोज हम चिड़चिड़ कर रहे हैं या मम्मी के साथ बात करते जोर जोर से बात कर रहे हैं तो कैसा लगता है, अलग लगता ना, क्योंकि हम साउंड बढ़ा रहे तो ये गलत बात है। साउंड पोल्यूशन बहुत ही बेकार होता है, उससे अच्छा नॉर्मली बात करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे किसके बारे में, नॉइस पोल्यूशन के बारे में, और उसके क्या करना है, कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल ऐसे करना है कि अगर इंडस्ट्रीज या कंपनीज होते हैं वहाँ पर अगर कोई किसी का नॉइस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए किसी तरह का ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए जिससे नॉइस कम हो। एग्जांपल टू व्हीलर देखिए, टू व्हीलर में साइलेंसर लगाते हैं किस लिए, ताकि जो इंजन का जो आवाज़ आ रहा है वो कम आवाज़ और नॉइस पोल्यूशन ना हो। अगर साइलेंसर निकाल दो तो कितना भयंकर आवाज़ आएगा इंजन का, तो नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से कंपनियों में, इंडस्ट्रीज में नॉइस पोल्यूशन ना हो, इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉइस बैन होता है, ताकि लोगों को समझ में आए कि इस एरिया में नॉइस नहीं करना है। तो सिंपल बात है, नॉइस पोल्यूशन हजार्डस टू अस विच प्रोड्यूस फिजिकली साइकोलॉजिकली इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए पहले कितने सारे चिड़िया, कौवे या अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हमारे एरिया में दिखते थे, आते थे, बैठे रहते थे, दाना खाते थे। अब देखो चिड़िया ही दिखती नहीं, कौवा ही दिखता नहीं, या अलग अलग तरीके के जो बर्ड्स थे वो दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते? पोल्यूशन की वजह से। कौन सा? एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, गैस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब की वजह से इस तरह के बर्ड्स दिखना बंद हो गए। हो सकता है वो ख़त्म हो गए हो सकता है वो किसी और प्लेस में चले गए हो। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा जो एनवायरनमेंट उनके लिए रिक्वायर है। समझ में आ गया? तो पोल्यूशन बेटर हो, स्टॉप कर दें। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है वाटर पोल्यूशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो है वाटर पोल्यूशन। पानी, अशुद्ध पानी, वाटर पोल्यूशन, अशुद्ध पानी। वाटर पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है जिसकी वजह से कई तरह के डिसीज, डिसऑर्डर्स ह्यूमन को होते आए हैं, हो रहे हैं, और इसकी वजह से कई ह्यूमन बीइंग डेड भी हो चुके हैं। जैसे कॉलरा वगैरह होना वाटर बॉर्न डिसीजेस है, डायरिया डिसेंट्री होना वाटर बॉर्न डिसीजेस है, ओमिटिंग होना वाटर बॉर्न डिसीजेस है, स्किन डिसऑर्डर डिसीजेस होना वाटर बॉर्न डिसीजेस है। इस तरह के कई ऐसे डिसीज है वाटर से होने वाले। अब वाटर पोल्यूटेड कैसे होगा? उसमें दो पार्ट हो सकते हैं पोल्यूशन करने के, वाटर को पोल्यूशन करने के दो भाग हो सकते हैं, एक तो नेचुरली या फिर दूसरा मैनमेड। वाटर को पोल्यूशन दो चीज़ों से हो सकता है, मैनमेड द्वारा भी और नेचुरली भी। तो वाटर पोल्यूशन मतलब द वाटर विच कंसिस्ट वेरियस काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज, द वाटर विच कंसिस्ट वेरियस काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, दैट वाटर इज नोन एज द वाटर पोल्यूटेड वाटर और वाटर पोल्यूशन। समझ में आ गया? अब डबके का पानी, तड़े का पानी या फिर पौंड, लेक, रिवर का पानी, ये खराब होता है। जैसे अपनी वैनगंगा नदी देखिए, वैनगंगा नदी के ऊपर आपने कुछ दिनों के पहले देखे होंगे ग्रीन पत्तियों का एक तरह से जाला बिछ गया था पूरे नदी में, वो वही दिख रहे थे, ग्रीन प्लांट दिख रहे थे। ये ग्रीन प्लांट ही क्या है, पोल्यूशन की वजह से होने वाला एक तरह से इफेक्ट है। दूसरा, कुछ अलग ही तरह की स्मेल उस वैनगंगा के पानी से आ रही थी। और तीसरा, जब हम पानी किसी बर्तन में निकाल रहे थे तो उसमें किसी तरह की गंदगी भी हमें दिख रही थी। ये क्यों हो रहा था? तो ये हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। अगर पानी बह रहा है, बहता हुआ पानी है, तो उसमें इस तरह के पोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि वाटर क्या करता है, बहता वाटर अपने अंदर की जो गंदगी होती है साइड साइड में लगाते जाता और क्लियर वाटर आगे बहते जाता। लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी है, स्टेबल वाटर है, तो
उसमें पोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ठहरे पानी में आजू बाजू के एरिया से बहता हुआ पानी आके जमा हो रहा है। वो बहता हुआ पानी दो वजह से आ रहा है, एक तो नेचुरली या फिर मैनमेड द्वारा आ रहा है, तो वो उसमें दोनों तरह की इम्प्योरिटीज होंगी, नेचुरली इम्प्योरिटीज भी रहेंगी, मैनमेड भी इम्प्योरिटीज रहेंगी, और वो इम्प्योरिटीज जब जब वाटर में इन्वॉल्व होते जाएंगी, स्टेबल वाटर में जाते जाएंगी, वो स्टेबल वाटर क्या होते जाएगा, पोल्यूटेड होते जाएगा, फिर वो वाटर दिखने में गंदा होगा, उससे बास आएंगी, उसमें अलगी या फिर फंगस ग्रोथ होगा, कई तरह के अलग अलग प्लांट ग्रोथ होंगे, तो ऐसा वाटर फिर यूटिलाइज करने के लिए डेंजर होगा, जिससे कई तरह के हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, डिसीजेस हो सकते हैं, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा वगैरह जैसे डिसीज हो सकते हैं, मतलब पानी से होने वाले डिसीजेज, वाटर बॉर्न डिसीजेज हो सकते हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन मैंने बताया दो पोल्यूटेंट हो सकते हैं, नेचुरल और मैनमेड। तो नेचुरल में क्या होगा, नेचुरल मतलब ऐसा है कि अगर रेन वाटर आ रहा है, सपोज रेन वाटर जिस जगह पे गिर रहा है उस जगह के जमीन का पानी बहते हुए आ रहा है और एक स्टोरेज वाटर टैंक में या स्टोरेज वाटर रिवर में या फिर लेक में जमा हो रहा है या पॉन्ड में जमा हो रहा है, ठीक है। अब वो जब ऊपर से रेन गिर रही है तो एनवायरनमेंट में जितने भी इम्प्योरिटीज है वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो गए और वो सॉइल में आ गए या जमीन पे आ गए। अब जमीन में भी जितने टाइप की इम्प्योरिटीज है, नेचुरल इम्प्योरिटीज, वो भी उसमें मिक्स हो रही है। इसलिए आप देखिए रेन का जमीन से बहता पानी कितना गंदा रहता है, उसका कलर कितना बेकार रहता है। वही अगर हम नेचुरल पानी अगर जमा कर रहे रेन का किसी बर्तन में तो वो वाइट दिखता है, लेकिन वही पानी जमीन के ऊपर आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज में मिक्स हो जाएंगी और वो पानी के साथ बहते बहते कहाँ पे आएंगी, उस सोर्स में जहाँ पे वो पानी स्टोरेज हो रहा है या जमा हो रहा है, और उसके बाद उसमें क्या होगा, सभी इम्प्योरिटी आने की वजह से वो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। वही वाटर कोई ह्यूमन बींग, एनिमल इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्टली वो पोल्यूटेड वाटर एडमिशन इन दिस बॉडी एंड प्रोड्यूस द वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस, जिसमें कई तरह के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं, सॉलिड मटेरियल भी होते हैं, सॉलिड डिजॉल्व मटेरियल भी हो सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड कम होंगी, जिसमें केमिकल ज़्यादा होंगे। इस तरह का वाटर कोई ह्यूमन बींग एनिमल लेता है तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल सोर्स, मतलब नेचुरली इम्प्योरिटी वाटर में डिजॉल्व होना। अब मैनमेड में देखिए इंडस्ट्रीज का पानी, सीवेज, घर का सीवेज, घर का डिटर्जेंट का पानी, या फिर किसी केमिकल कंपनी का पानी या किसी फैक्ट्री का पानी हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ऐसे वाटर रिसोर्स में छोड़ रहे हैं जो पहले से हमारे लिए यूजफुल है। जैसे अगर सपोज हमारे घर से नाली से बहने वाला पानी डायरेक्ट वैनगंगा नदी में जा रहा है, कंपनी से भी आने वाला पानी वैनगंगा नदी में जा रहा है, तो ये मैन मेड इम्प्योरिटीज है या वाटर पोल्यूटेड है जो डायरेक्टली क्या हो रहा है हमारे सोर्स में जाके मिल रहा, और जिसकी वजह से वाटर क्या हो रहा है पोल्यूटेड रहती है। क्या हो गया, मैन मेड, हमारे द्वारा गंदगी हम खुद क्या कर रहे हैं हमारे वाटर सोर्स में डाल रहे, जिसकी वजह से हमारा वाटर सोर्स क्या हो रहा है पोल्यूटेड हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये हो गया अपने नेचुरल एंड मैनमेड, ठीक है बच्चों। अब ये जो नेचुरल और मैनमेड पोल्यूटेंट है जो हमारे वाटर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूटेड हो रहा है या पोल्यूशन हो रहा है उसमें, तो ये पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, तो हम इसको देखेंगे अभी, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। टाइप ऑफ पोल्यूटेंट में कि ये कौन से पोल्यूटेंट हो सकते हैं जो हमारे वाटर को पोल्यूटेड कर सकते हैं, मैंने पहले पता है कौन से सोर्स हो सकते हैं, नेचुरल सोर्स हो सकता है या मैनमेड सोर्स हो सकता है जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूटेड हो सकता है। एक तो नेचुरली उसमें इस तरह के पोल्यूटेंट आके ऐड हो जाएंगे या मैनमेड द्वारा ये पोल्यूटेंट ऐड हो जाएंगे, तो पोल्यूटेंट कौन से हो सकते हैं। तो नंबर वन पे हम पोल्यूटेंट देखेंगे वो है बायोलॉजी कल, नंबर दो पे देखेंगे केमिकल, और नंबर तीन पे देखेंगे फिजिकल। तीन हमारे पोल्यूटेंट हो सकते हैं वो जो वाटर को पोल्यूशन कर रहे हैं या पोल्यूटेड कर रहे हैं, उन सब्सटेंस को, उस मटेरियल को हम बोलेंगे पोल्यूटेंट। वो कौन से हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। बायोलॉजिकल में मैंने पहले आपको बताया था बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, फंगाई, ये क्या हो गए, ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस हो गए जो पानी में आ रहे हैं और इनके द्वारा कोई भी ह्यूमन बींग या एनिमल उसको क्या पी रहा है तो वो उनके बॉडी में जा रहे हैं और उन बॉडी को क्या करे, डिसीज या डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन्होंने, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा वाटर
पोल्यूटेड हो गया, किसकी वजह से, बायोलॉजिकल में। तो बायोलॉजिकल कौन से हो सकते हैं, वही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में आ रहे और पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ये भी हो सकता है, डेड एनिमल्स, डेड टिश्यू, डेड कल्चर, ये भी हो सकते हैं जो पानी को पोल्यूटेड कर सकते हैं, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल, ठीक है। केमिकल तो आपको पता ही है, कई इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वाटर होता है उसमें कई तरह के केमिकल्स मिक्स होते हैं, कई लैब में से निकलने वाला वाटर होता है उसमें भी कई तरह के केमिकल्स ऐड होते हैं, क्योंकि कंपनी में, इंडस्ट्रीज में या लैब में कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और केमिकल्स द्वारा कई तरह के रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं जिनके द्वारा नए प्रोडक्ट बनते रहते हैं या फिनिश प्रोडक्ट बनते रहते हैं। वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी रिएक्शन करते वक्त केमिकल का इस्तेमाल होता है, उनके कुछ न कुछ इम्प्यूरिटीज वाटर में आ जाती है, और वही वाटर फिर क्या होता है, वाटर को पोल्यूटेड करता है। तो इस तरह के केमिकल्स हो सकते हैं। अब इसमें कई केमिकल्स हो सकते हैं, जिसके एग्जांपल हम दे सकते हैं कि डीडीटी भी हो सकता है। अब डीडीटी कैसे हो सकता है, या फिर पेस्टिसाइड हो सकता है, या फिर फर्टिलाइजर्स हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। कैसे, जैसे हम क्या कर रहे हैं, खेतों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी फवारनी कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फवारी कर रहे हैं। जैसे देखो अभी सीजन चल रहा है जहाँ पे हमने धान लगाए खेतों में, तो कुछ बहुत से किसान क्या करते हैं, यूरिया, सल्फेट जैसे ये रासायनिक केमिकल का स्प्रेड करते हैं ताकि प्लांट जल्दी ग्रोथ हो जाए और अच्छी यील्ड दे सके। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो हो गए फर्टिलाइजर्स, और वहाँ पे जो कीड़ा लग रहा है या इंसेक्ट आ रहे हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो पेस्टिसाइड्स है। इस तरह के केमिकल्स हम खेतों में स्प्रेड कर रहे हैं। अब बारिश हो रही है, बारिश उन खेतों में गिर रही है, तो खेतों के प्लांट पे जो भी केमिकल स्प्रेड किए हुए वो पानी में मिक्स हो जाएंगे, और वही पानी बहते बहते कहाँ पे आएगा, हमारे मेन वाटर सोर्स में आके जमा हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या होगा, इस तरह के केमिकल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वाटर एंड कंटामिनेटेड दैट टाइप ऑफ वाटर। इस तरह के केमिकल्स वाटर में इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारे वाटर को कंटामिनेट करेंगे, पोल्यूटेड करेंगे। तो ये हो गए केमिकल्स। अब फिजिकल्स में बहुत कुछ हो सकता है। फिजिकल्स में कई तरह के मिट्टी आ जाती है, गंदी मिट्टी जिसमें कई डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज होती है। जैसे अभी देखो चंद्रपुर में कोल माइन है, आपको पता है कोल माइन में क्या होता है, कोल निकाला जाता है, तो उसका कोल के फाइन पार्टिकल्स, फाइन पाउडर जमीन के ऊपर आके फैल जाते हैं। आप जाके देखिए चंद्रपुर में पूरे रास्ते में काला काला धुआं, पेड़ों पे काला काला धुआं, काली काली मिट्टी फैली हुई है। तो ऐसे वक्त अगर बारिश होती है तो ये मिट्टी उस बारिश में मिक्स हो जाती है, और इस टाइप की गंदगी, फिजिकल इम्प्योरिटीज उस पानी में साथ कहाँ पे आते, उस वाटर सोर्स में आते और उस वाटर सोर्स को क्या करते, पोल्यूटेड करते। तो ये हो गया फिजिकल, ये हो गया फिजिकल। कई तरह की इम्प्योरिटीज विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दैट इम्प्योरिटीज नोन एज द फिजिकल इम्प्योरिटीज। केमिकल इम्प्योरिटीज द केमिकल सब्सटेंस, केमिकल मॉलिक्यूल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस द वाटर कंटेमिनेशन, दैट नोन एज द फिजिकल पोल्यूटेंट। एंड द बायोलॉजिकल द लाइव इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मटेरियल ऑर्गेनिजम्स विच आर इन्वॉल्व आर एड इन द वाटर एंड प्रोड्यूस द वाटर पोल्यूशन, दैट नोन एज द बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट। तो ये हो गए हमारे तीन पॉइंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंने ये बताया था आप लोगों को कौन सा नेचुरल और मैन मेड, मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल और मैन मेड ये बताया मैंने आपको। अब इसमें भी एक पॉइंट हो सकता है कि जो वाटर सोर्सेज आ रहे हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इम्प्योरिटीज वाला वाटर डायरेक्टली नदी में छोड़ा जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि कंपनी द्वारा छोड़ा गया पानी डायरेक्टली नदी में डाला जाता है, ठीक है, वाटर सोर्सेस में डाला जाता है। कंपनी अपने पाइप या नाली निकालती है, डायरेक्ट वो किसी नदी, रिवर में, लेक में छोड़ देती है। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स। इसको पॉइंट सोर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इम्प्योरिटीज वाला वाटर या इम्प्योरिटीज डायरेक्टली हमारे वाटर सोर्सेज में ऐड हो रही डायरेक्टली। तो ये हो गया पॉइंट सोर्स। सेकंड है इसमें वो होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सोर्स मतलब ये ऐसा सोर्स है जिसमें इम्प्योरिटी डायरेक्टली नहीं जा रही है, इनडायरेक्टली जा रही है, लेकिन जा रही है। ये डायरेक्टली पाइपलाइन या नदी नाली बन के हमारे वाटर सोर्सेस में इम्प्योरिटी ऐड हो रही है, किसी कंपनी से, किसी इंडस्ट्री से, किसी लैब से,
ठीक है, या फिर किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी डायरेक्ट वो लोग वहाँ पे नदी में या छोड़ रहे हैं, तो ये क्या पॉइंट सोर्स। डिफ्यूजन सोर्स मतलब डायरेक्टली नहीं, मैंने दूसरा भी ये बात बताई थी कि वाटर रेन हो रहा, रेन वाटर नीचे आ रहा सॉइल पे, सॉइल के साथ मिक्स हो रहा और धीरे 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 बहते बहते वो वाटर सोर्स में मिल रहा, तो ये हो गया डिफ्यूजन, जिसमें कई तरह के इम्प्योरिटीज पहले नहीं थे, फिर मिलते गए, ऐड होते गए, इधर के उधर के उधर के, ऐसे करते बाद में हमारा पानी क्या हो गया, कंटामिनेट हो गया, और वो कंटामिनेट पानी कहाँ आ रहा, डायरेक्ट वाटर सोर्स में ऐड हो रहा, ऐसे हो रहा। तो जब वो वहाँ से निकला, सपोज वो भंडारा से निकला, तब वो अच्छा खासा था, लेकिन जैसे भंडारा के बाहर जा रहा वो पूरे उसमें गंदगी मिक्स हो रही है, इधर की उधर की उधर की, अब वो किस रास्ते से जा रहा ये नहीं पता, वो गणेशपुर होकर जा रहा कि बस स्टॉप के तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से जा रहा ये नहीं पता। अगर सपोज सीधा सीधा रोड से जा रहा है तो कम इम्प्योरिटी जाएंगी, कम इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएंगी, लेकिन वो हॉस्पिटल की तरफ से अगर होकर जा रहा है तो हॉस्पिटल की पूरी इम्प्योरिटीज में आ जाएंगी, तो वो कंटेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूजन होकर डिफ्यूजन थ्रू जा रहा है, तो वो गया डिफ्यूजन सोर्स, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट जाना मतलब पॉइंट सोर्स, और इनडायरेक्टली ऐड होते हुए जाना मतलब डिफ्यूजन सोर्स। ये हो गए हमारे दो पॉइंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो हमने पॉइंट देखे कौन सा, वाटर पोल्यूशन, हमारा पॉइंट कौन सा है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये कि किस तरह का पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, तो होता नेचुरली और मैन मेड। नेचुरली मैन मेड में भी दो पॉइंट हो सकते हैं, एक तो डायरेक्टली पॉइंट है जो डायरेक्टली जा रहा है, और डिफ्यूजन है जो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, पोल्यूटेंट ऐड हो रहा है वाटर सोर्स में, उसको पोल्यूटेड कर रहा है। इसमें कौन से पोल्यूटेंट हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल, ऐसे तीन तरह के पोल्यूटेंट हो सकते हैं। अब जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कौन सा है, पॉइंट सोर्स एंड डिफ्यूजन सोर्स, तो इसमें जो मैंने सोर्सेज बताए, इस सोर्सेज में कहाँ कहाँ से किस तरह से मटेरियल आ सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सीवेज, तो पहला पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल सीवेज। ये इंडस्ट्रियल सीवेज हो सकता है पहला, जो सोर्सेस आ रहे हैं पॉइंट एंड डिफ्यूजन, मतलब जिस तरह के इसमें ऐड हो रहे हैं। तो मैंने बताया था नेचुरल और मैन मेड, तो देखिए इंडस्ट्रियल सीवेज हो सकता है मतलब कंपनी से निकलने वाला वेस्टेज मटेरियल वाटर, वो डायरेक्ट हमारे वाटर रिसोर्स में ऐड हो रहा है, उसे पोल्यूटेड कर रहा है, तो इंडस्ट्रियल सीवेज हो सकते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, इंडस्ट्री का गंदा पानी हो सकता है, इंडस्ट्री की इम्प्योरिटीज हो सकती है, सॉलिड मटेरियल हो सकता है, वेस्ट मटेरियल हो सकता है, रिएक्शन वाला प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें कई तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कई तरह के कल्चर मीडिया हो सकता है, कई तरह के सोप डिटर्जेंट का केमिकल पानी हो सकता है, तो ऐसे कई हो सकते हैं जिसमें मिक्स करके ये वाटर पोल्यूटेड वाटर इंडस्ट्री से बाहर आके डायरेक्ट वाटर सोर्स में ऐड हो रहा है। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल सीवेज, एक पॉइंट हो सकता है हमारा। उसके बाद हम देखेंगे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक सीवेज ये पॉइंट हो सकता है। डोमेस्टिक सीवेज में क्या होता है, घरगुती घर से निकलने वाला वेस्ट वाटर, सोप डिटर्जेंट का वाटर, घर में कपड़े धोले जाते हैं उसका वाटर हो सकता है, या फिर बर्तन धोने का वहाँ से निकला हुआ गंदा पानी ये हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी घर से निकलना डोमेस्टिक सीवेज, ये डायरेक्टली हमारे वाटर सोर्स में ऐड होके उसको क्या कर सकता है, कंटेमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, ये पॉइंट भी आपको बताया था मैंने, जैसे खेतों में पानी मिक्स होता है बोला, तो हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का मिक्स करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो उस वाटर में मिक्स होके हमारे वाटर सोर्स को पोल्यूटेड कर सकता है, वो है ऑयल स्पिल्स और मिनरल ऑयल्स। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां, कई ऑटोमोबाइल गैरेज जिनसे जो ऑयल निकला जाता है वो ऑयल पानी में मिक्स होता है, और मिक्स हुआ हुआ पानी वो हमारे वाटर सोर्स में चला जाएगा और हमारा वाटर सोर्स को पोल्यूटेड करेगा। अब इस तरह का ऑयल पिल अगर हमारे वाटर सोर्स में आ रहा है तो इसकी एक परत डिपोजिशन लेयर फॉर्म हो जाएंगी वाटर में, जिसकी वजह से वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे। ये भी जब पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जब आएगा तो जाहिर है पेस्टिसाइड किसी तरह के इंसेक्ट को किल कर रहा है, तो वाटर में जाने के बाद वाटर में जो भी एनिमल है उस एनिमल को ये क्या करेगा, किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ऑयल स्पिल्स की लेयर अगर वाटर में फॉर्म हो जाएंगी, उसका डिफ्यूजन लेयर फॉर्म हो जाएंगी, तो जो ऑयल
ये बबल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो ऑयल इम्प्योरिटीज क्या करेंगे, उस वाटर में रहने वाले एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, और साथ में वाटर जो कंज्यूम करेंगे एनिमल्स उनको भी क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इस तरह से ये इस टाइप के क्या हो सकते हैं, सोर्सेस हो सकते हैं, जो पॉइंट सोर्स डिफ्यूजन मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट सोर्स डायरेक्टली जाना और डिफ्यूजन इनडायरेक्टली जाना, तो जिसमें इस तरह के क्या हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट या पोल्यूटेंट ऐड हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री से आने वाला गंदा पानी, घर से निकलने वाला गंदा पानी, खेतों से आने वाला पानी, और किसी ऑटोमोबाइल्स ऑटो कंपनी से, ऑटो गैरेज से, या फिर कोई ऑयल कंपनी से निकलने वाला ऑयल मिक्सिंग पानी, ये हमारे वाटर सोर्स को पोल्यूटेड कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है इम्प्यूरिटी, जो मैंने वर्ड बार 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 बोला है वर्ड, वो है इम्प्यूरिटीज। तो ये इम्प्यूरिटीज क्या होती है, पानी में जो भी सब्सटेंस ऐड होते हैं विच प्रोड्यूस द पोल्यूशन टू द वाटर, दैट सब्सटेंसेज इज नोन एज द इम्प्यूरिटी। द सब्सटेंसेज विच ऐड और इन्वॉल्व इन वाटर एंड पोल्यूटेड और प्रोड्यूस द पोल्यूशन टू द वाटर, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द इम्प्यूरिटीज। अब इम्प्यूरिटी 1% की हो सकती है, इम्प्यूरिटीज ऑनली कितने परसेंट हो सकती है, 1, एंड बाकी 99% क्या होगा, वाटर होगा। वाटर में जो इम्प्यूरिटी होंगी वो सिर्फ 1% होंगी, लेकिन 99% क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन ये 1% भी इम्प्यूरिटीज वाटर को क्या कर सकते हैं, पोल्यूटेड कर सकते हैं। अभी कौन सी इम्प्यूरिटीज हो सकती है, तो ये होंगी, पहले तो हम देखेंगे ये हो सकते हैं पैथोजन्स, ऑर्गेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हार्मफुल टू एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी और प्रोड्यूस द डिसीज टू द ह्यूमन बॉडी और एनिमल, दैट नोन एज द पैथोजन्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ह्यूमन बॉडी को या एनिमल को डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको पैथोजन्स बोलेंगे। तो इस तरह के पैथोजन्स वाटर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूम करने के बाद कोई भी एनिमल ह्यूमन क्या हो सकता है, डिसीज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट है सस्पेंडेड सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहे लेकिन उसमें तरंग रहे, सस्पेंडेड है, उसमें मिक्स हो गए हैं, ऐसे सॉलिड मटेरियल को सस्पेंडेड सॉलिड बोलेंगे। मैंने आपको बताया जब पानी बहता है बारिश के समय में जमीन के ऊपर से उसका कलर चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस वाटर में कई तरह के ऐसे सॉलिड मिक्स हो गए रहते हैं जो डिजॉल्व तो नहीं होते, इसका कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। जैसे मिट्टी हो गई, मिट्टी पानी में डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर मिट्टी पानी में डालो तो मिट्टी क्या करती है, पानी का रंग चेंज कर देती है, तो वो हो गए सस्पेंडेड सॉलिड। उसके बाद कोलाइडल सॉलिड्स, और कोलाइडल मटेरियल ऐसे मटेरियल है जो पानी में रहते लेकिन पानी में डिजॉल्व भी नहीं होते लेकिन पानी में सस्पेंडेड भी नहीं होते, जैसे कपड़े के टुकड़े हो गए, फाइबर के टुकड़े हो गए, प्लास्टिक के टुकड़े हो गए, इस तरह के, या ग्लास के फाइन पार्टिकल्स हो गए। इस तरह के कोलाइडल सॉलिड्स अगर मटेरियल वाटर में आ जाते हैं तो वाटर को पोल्यूटेड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वो है डिजॉल्व सॉलिड। डिजॉल्व सॉलिड मतलब पानी में घुलने वाले सॉलिड मटेरियल, और डिजॉल्व सॉलिड डिजॉल्व मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स सॉलिड डिजॉल्व तो पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, जैसे शक्कर हो गया, नमक हो गया, ऐसे कुछ केमिकल्स हो गए, या फिर न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स है, विटामिन्स है, या फिर कई एलिमेंट्स है जो पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, ऐसे मटेरियल पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे तो जो पानी की इम्प्योरिटी चेंज कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कई लोगों को कि नदी के पास से या नदी के पुलिया से गुजरते हैं तो सिक्का पानी में डालते और हाथ जोड़ते, आप सबने देखा होगा ये पॉइंट। तो आपने ऑब्जर्व किया ये ऐसा क्या कर रहे हैं, पहले के जो जमाने में तांबे के कॉपर के सिक्के हुआ करते थे, ये कॉपर के सिक्के अगर पानी में डालो विच प्रोड्यूस द सिक्रेशन ऑफ कॉपर एलिमेंट इन द वॉटर एंड विच प्रोड्यूस स्टरलाइजेशन और डिक्रीज द इम्प्यूरिटीज ऑफ द वाटर। कैसे, जैसे कॉपर मटेरियल, कॉपर आयंस अगर वाटर में आ जाएंगे तो वो किसी मटेरियल के साथ इम्प्योरिटी का तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से वो मटेरियल इम्प्योरिटीज हैवी हो जाएंगी और वो सेटल हो जाएंगी, जिसकी वजह से पानी शुद्ध हो जाएगा। तो ये शुद्ध करने की प्रक्रिया थी, इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, कॉपर के कॉइन पानी में डाल देते थे जिससे पानी की इम्प्योरिटीज कम हो जाती थी, साथ में कोई हैवी मेटल्स वगैरह उसमें रहे तो भी उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके वो सेटल डाउन हो जाते थे, पानी इम्प्योरिटी दूर हो जाते थे। लेकिन अभी जो सिक्के आ रहे हैं वो कैसे हैं,
हाँ, तो ऐसे सिक्के पानी में डालने के बाद उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि वो इनर्ट होते हैं। इसकी वजह से उसको पानी में डालने से कोई फायदा नहीं है, कोई इम्प्योरिटी दूर नहीं करेंगे, उल्टा हमारा एक सिक्का लॉस हो जाएगा, उसके बजाय वो किसी जरूरतमंद को दिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सिक्का कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, इनर्ट होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो मैं एग्जांपल क्या बता रहा हूँ कि ऐसे इम्प्योरिटीज अगर वाटर में आ जाते हैं तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूटेड हो सकता है, जिसमें कई तरह के एलिमेंट्स, कई तरह के मेटल्स, नॉन मेटल्स या न्यूट्रेंट हो सकते हैं जो पानी के इम्प्योर कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गए हमारे ऐसे इम्प्योरिटीज जो पानी में जाने के बाद पानी को पोल्यूटेड कर सकते हैं, ऐसे इम्प्योरिटी हमने यहाँ पर देख ले। यहाँ तक आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।